14 अप्रैल रात 8 बजे से 15 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगा पूरे महाराष्ट्र में। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। सीएम उद्धव ठाकरे ने आज लाइव आकर के ये कहा कि सभी जो महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट है वहां पर लॉकडाउन लगाया जाएगा और ये लॉकडाउन जो है 14 अप्रैल रात 8 बजे से लेकर 15 दिन का जो है संपूर्ण तरीके से लॉकडाउन लगाया जाएगा। आप देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जो है शुरू रहेगी। सबसे पहले अगर बात कर ली जाएंगे एसेंशियल सर्विसेज की, तो सिर्फ जो है एसेंशियल सर्विसेज ही चालू रहेंगे, उसके अलावा कोई भी तरीके का जो है ट्रांसपोर्टेशन चालू नहीं रहेगा। और साथ ही साथ 14 अप्रैल से जो लॉकडाउन रहेगा वो 8 बजे के बाद 144 सेक्शन के तहत लगेगा, यानी अगर आप बाहर निकलते हो तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और बैंक जो है खुले रहेंगे, ई कमर्शियल सर्विसेज भी जो है इसमें खुली रहेगी, और जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए लोग जो काम करते हैं उन लोगों को पास बनाने का अरेंजमेंट करने की भी सरकार ने बात रखी है कि जो लोग काम करते हैं साइट्स पर, जैसे इंडस्ट्रियल जो भी काम है उसको करने के लिए जितने भी मजदूर लगते हैं या जो लेबर्स लगते हैं उन लोगों के लिए जो है पास बनाने की बात चल रही है। बहरहाल ये पूरा जो है लोगों का अगर मानना है तो पूरे रमज़ान को देखते हुए गाइडलाइन लगाया गया है, क्योंकि रमज़ान के ही महीने में पिछले साल भी यही हुआ था। हम आगे चल करके आपको रात 1 बजे जो है अपडेट देने वाले हैं। ये 1 बजे का पूरा वीडियो देखना किस तरीके से रमज़ान को लेकर के गाइडलाइन है और किस तरीके से लोगों की ओपिनियन है, ये हम आपको 1 बजे बताएंगे। लेकिन बहरहाल ये सब जानकारी हम आपको बता रहे हैं। फिर से मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग कन्फ्यूज़न है आपके दिमाग में कोई, तो आप लोग जो है दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको जो है पूरा SOP भेज देंगे, जो भी 17 पेज के SOP है हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे। आप लोग इस नंबर पर हाई करिए अपने नाम के साथ, मैं पूरा SOP जो है आपको भेज दूंगा, ताकि आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।